स्टूडेंट्स आपका स्वागत है द स्टीफन गुरु चैनल में। और जो आज की हमारी वीडियो है वो सीटिंग अरेंजमेंट की थर्ड टाइप जो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के ऊपर बेस्ड है। जो हमने सीटिंग अरेंजमेंट का जो फर्स्ट एंड सेकंड जो टाइप बनाया वो लीनियर एंड सर्कुलर अरेंजमेंट बनाया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज आप लास्ट वीडियोस को हमारी सीटिंग अरेंजमेंट की फर्स्ट एंड सेकंड टाइप को जरूर देख लो, क्योंकि अगर आप वो सेकंड और फर्स्ट जो वीडियो है हमारी अगर उस टाइप को नहीं देखोगे तो आपको थर्ड टाइप ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं होने वाली, क्योंकि आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। अगर आप समझते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपने नहीं देखने फिर भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। सीटिंग अरेंजमेंट के भी जो थर्ड टाइप है हमारी वो इस तरह से स्क्वायर एंड रेक्टेंगल अरेंजमेंट। अब देखो इसमें मैंने आपको कहा कि जब सर्कल की बात आती है अगर आप सेंटर की ओर देखते हो तब आपका राइट और लेफ्ट उसी तरह से आप अरेंजमेंट करोगे उसकी। अगर आप सेंटर से ऑपोजिट साइड की ओर फेस करके बैठे हो तो आपका लेफ्ट और राइट का जो साइड रहेगा उसका जो अरेंजमेंट रहेगा उसी हिसाब से आप उनका क्या करोगे अरेंजमेंट सेट करोगे। तो अब देखो रेक्टेंगल एंड स्क्वायर के अंदर भी ऐसा ही अरेंजमेंट होता है। देखो फोर पर्सन है ए बी सी एंड डी, इस तरह से मैंने फोर पर्सन बनाया जो सर्कल में आर सर्कल में एल लिखा हुआ है, इसका मतलब लेफ्ट और राइट वाली जो साइड इसको मैंने इंडिकेट किया है सर्कल के अंदर जो अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। अब देखो एक बात सुनो, अगर आप कार्ड्स को प्ले करते हो, कार्ड्स जो होते हैं वो 1 2 3 जो खेलते हैं बच्चे अक्सर जो छोटे बच्चे हैं वो कार्ड्स को ज्यादा प्ले करते हैं। अगर आप देखे कभी भी आपने भी खेला होगा तो आपने देखा होगा कि फोर आदमियों की फोर पर्सन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और दो पर्सन एक साइड और दो पर्सन एक साइड लेकिन एक दूसरे के आमो सामने बैठते हैं। उसी तरह से मैंने इस स्क्वायर और रेक्टेंगल के अंदर ए के सामने सी और डी के सामने बी को रखा हुआ है। बस एक चीज और है, जैसे मैंने सर्कल में करवाया कि ये बड़े जो एरो आपको जो दिखाए हुए हैं अगर ये एरो सेंटर की ओर इस बिंदु की ओर है तो इसका मतलब इनका फेस बिल्कुल सेंटर की ओर है इनका फेस। अगर ये एरो ऊपर की ओर है इसका मतलब ये सेंटर से ऑपोजिट साइड को इनको इनका फेस किया हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब अगर ये चार पर्सन है इनका फेस सेंटर की ओर है तो इनका लेफ्ट और राइट उसी तरह से अरेंजमेंट करेंगे हम। देखो अगर ए का फेस सेंटर की ओर है, डी बी और सी का भी सेंटर की ओर है तो इसका मतलब ए का राइट और लेफ्ट आपका उस तरह से अरेंजमेंट हुआ है और बी का भी लेफ्ट और राइट उसी तरह से, सी का भी लेफ्ट और राइट, डी का भी राइट और लेफ्ट उसी तरह से हमने क्या किया हुआ सेट किया हुआ। आप कॉपी के ऊपर इसको ड्रॉ कर सकते हो, आप इस वाली डायग्राम को भी कॉपी के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको समझना डिफिकल्ट हो सकता है। अगर नोट्स टाइम टू टाइम बनाते रहोगे तो आपको बहुत आसानी होती रहेगी। तो अगर आप इस वाले अरेंजमेंट को समझना चाहते हो तो आप खुद को प्रैक्टिकल में लेके आओ। क्वेश्चंस कैसे आपसे पूछे जाएंगे उसी क्वेश्चंस को आप अपने ऊपर प्रैक्टिकली करोगे तो आपको ये वाले लेफ्ट और राइट का जो अरेंजमेंट साइड का अरेंजमेंट होता है वो आप बहुत आसानी तरीके से कर ले जाओगे। अगर इनका फेस ऑपोजिट साइड है, अगर ये सेंटर सेंटर से इनका फेस ऑपोजिट साइड है, जैसे जी मैंने एरो के साथ में इंडिकेट किया है कि इनका फेस सेंटर से ऑपोजिट साइड में है ए बी सी और डी का। अब ए का लेफ्ट और राइट चेंज हो गया, देखो यहां पर राइट इधर था और लेफ्ट इस साइड था, इसी तरह से इस वाले ए का राइट दूसरी साइड और लेफ्ट दूसरी साइड आ गया। इसी तरह से वेरी करता रहेगा, कभी भी आपने इस वाले अरेंजमेंट पे पजल नहीं होना। तो स्टूडेंट्स क्या है कि हम इस वाले अरेंजमेंट को भी थर्ड टाइप को भी एक क्वेश्चन के साथ समझेंगे। क्वेश्चन कैसा आता है आपके पास बड़ा सिंपल रहेगा। तो क्वेश्चन हमारा किस तरह से स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स क्या है कि आपका ये सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका उसी तरह से उसी अरेंजमेंट जो हमने स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का अभी थर्ड टाइप स्टार्ट किया उसी के ऊपर ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है और इसी तरह से आपको सभी के सभी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, थोड़े से कॉम्प्लेक्स करके दिए जाएंगे, लेकिन आपको क्या होता है कि एक स्टेटमेंट दी जाती है तो उसको समझना और पढ़ना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप पूरी स्टेटमेंट को नहीं पढ़ोगे तब भी आप कोई भी तुक्का और अंदाजा नहीं लगा सकते। इस स्टेटमेंट में भी इसी तरह से देखो ए बी सी डी ये फोर पर्सन आपको दिए गए हैं, ये क्या खेल रहे हैं आर प्लेइंग कार्ड्स, ये कार्ड्स खेल रहे हैं और ए और सी एंड बी एंड डी आर पार्टनर, ए का पार्टनर सी है बी का पार्टनर डी रहेगा। अब डी इज टू द राइट ऑफ सी, अब डी सी के राइट में है। अब देखो द फेस ऑफ सी इज टू द टू वर्ड वेस्ट, अब देखो इन्होंने लिखा हुआ कि जो सी का फेस रहेगा इस सी आदमी का फेस रहेगा वो वेस्ट की ओर है और फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दैट डी इज फेसिंग नाउ, अब डी का फेस किस डायरेक्शन में रहेगा। देखो आपने सबसे पहले वही बात कि आपने कंपास को ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, कंपास को ड्रॉ करो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, ये आपने किया
कंपास ड्रो, और इन्होंने कहा है सी का जो फेस रहेगा वो वेस्ट की ओर है, तो सीधी सी बात आ गई आपकी, एक आपने रेक्टेंगल ड्रॉ करो या स्क्वायर ड्रॉ करो, क्योंकि आदमी जो है वो कार्ड्स को खेल रहे हैं, सी का जो फेस है वो वेस्ट की ओर है, इसका मतलब वेस्ट आपका इस साइड जा रहा है, वेस्ट आपका इस साइड जा रहा है, तो आपने क्या करना है सी को इधर ड्रॉ कर लो, सबसे बड़ी बात यह है। अब इन्होंने कहा ए और सी आर पार्टनर, बी एंड डी आर पार्टनर, अब इसका ऑब्वियस हो गया कि सी का पार्टनर कौन है, ए पार्टनर है, बिल्कुल सही बोला आपने, और बी और डी का पार्टनर, बी का पार्टनर डी हो गया, लेकिन इन्होंने एक कंडीशन दी है, कंडीशन क्या है कि डी इज टू द राइट ऑफ सी, अब राइट सी के राइट में कौन बैठा है, डी है, अगर इनका फेस सेंटर की ओर है, इनका भी फेस सेंटर की ओर, देखो कि कार्ड खेल रहे हैं तो ऑपोजिट, ऑपोजिट तो नहीं होगा, सेंटर से ऑपोजिट फेस करके तो बैठेंगे नहीं, तो इसका मतलब वो सेंटर की ओर उनका फेस होगा, तो मतलब अब हो गया कि सी और ए का राइट और लेफ्ट आपका उसी तरह से आप क्या करोगे, इनका अरेंज करोगे, देखो अब सी का जो राइट रहेगा वो इस साइड रहेगा, अब इनका लेफ्ट जो रहेगा इस साइड रहेगा, इन्होंने एक कंडीशन दी है कि डी जो है सी के राइट में है, सी का राइट इधर है, तो सी के राइट में इधर डी आ गई, अब डी इस साइड में आ गई, इसका भी फेस सेंटर की ओर है, तो डी का ऑपोजिट कौन आ गया, बी, बी आ गया, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखो इन्होंने क्वेश्चन क्या किया, फाइंड द, देखो चारों हमने सेट कर दिए, फाइंड द डायरेक्शन दैट डी इज फेसिंग नाउ, अब डी का फेस किस डायरेक्शन में किया हुआ है, तो डी का जो फेस रहेगा वो साउथ डायरेक्शन में आ रहा है, देखो एरो आपका साउथ डायरेक्शन में आ रहा है, अगर फिर भी नहीं क्लियर होता तो यहां से आपने कंपास ड्रॉ करना है, जब कंपास ड्रॉ करोगे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, ये देखो साउथ की ओर इसका फेस आ चुका है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो साउथ डायरेक्शन रहेगा। तो स्टूडेंट्स क्या है कि इसके बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको क्वेश्चन एक टेस्ट सीरीज बना करके आपको लिंक करके भेजा जाएगा इसके ऊपर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने सभी वीडियोस को बहुत ध्यान से समझना है, हमारे कोई भी टॉपिक आता है बहुत प्यार से बहुत ध्यान लगा करके समझोगे और नोट्स बनाते रहना है, अगर नोट्स नहीं भी बना रहे तो आप वीडियोज को बार बार देखते रहो, कंटेंट अपने पास रखो, आपके काम आने वाली चीज है। तो स्टूडेंट्स अभी के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जय हिंद।